हेलो जी, कैसे हैं आप सब? आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर। और देखते रहिए मेरी वीडियो अगर अच्छी लगे तो। वैसे तो आज की वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं है और छोटी सी वीडियो तो बहुत लंबी हो रही थी, लेकिन मैं कट कर करके, मैंने कहा ऐसा है भी क्या, तो मैंने कट कर करके ना बहुत छोटी कर दी है। तो देख लीजिएगा, बहुत छोटी वीडियो है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बस साफ़ सफाई कर रही हूँ और उसी की वीडियो है। तो यहाँ पर मैं जुट गई हूँ अपनी साफ़ सफाई में, तो मैंने सोचा थोड़ी बहुत करूँगी। और थोड़ी बहुत करते 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 ना मैंने सोचा चलो उसकी भी सफाई कर लो, खिड़की की कर लो, सामान की कर लो, तो मैं पूरी डीपली सफाई करने लगी हूँ। और यहाँ पर मैं हर चीज़ की सफाई कर दूँगी। और लगी थी ये कि मैंने कहा सिर्फ खिड़की दरवाजे ही झाड़ूंगी, लेकिन मैंने हर चीज़ की सफाई कर ली है थोड़ी थोड़ी करते हुए। तो मैं हर चीज़ की सफाई कर लूँगी, और क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं तो साफ़ सफाई बनती है। वैसे तो हर रोज़ ही करती रहती हूँ मैं, पर ये डीपली सफाई है। और पता नहीं कहाँ से धूल आती है, रोज़ सफाई करने करने में भी पता नहीं कहाँ से धूल आ जाती है। और कितनी भी कर लो घर झोंका तो ही लगेगा, कोई साफ़ सुथरा तो लगता नहीं है। ऐसा का ऐसा ही लगेगा कितनी भी कर लूँ, पर घर ऐसा ही लगेगा। कभी कभी तो ऐसा मन करता है अरे छोड़ना, क्या साफ़ सफाई करनी, कुछ नहीं करना। मैंने कहा फिर धूल पता नहीं कहाँ से बैठ जाती है सामान पे। और यहाँ मैं खिड़की दरवाजे सब साफ़ कर लूँगी। वीडियो में इतना दिखाया भी नहीं क्योंकि मैंने कट कर दी है बहुत ज़्यादा, थोड़ी सी रखी है। और ये सब खिड़की दरवाजे साफ़ करने के बाद मैं हर चीज़ हर सामान फिर कॉलिन करूँगी। और यहाँ पर आ गई मैंने लगी थी मैंने कहा चलो थोड़ी बहुत ही करनी सफाई, पर लग गई मैं सारी सफाई करने के लिए, ट्रॉली वगैरह खोल खोल के और हर सामान को ना उठा उठा के सफाई करी है। तो जब मैं लग जाती हूँ ना फिर लग जाती हूँ पहले हल्का सा आता रहता है, फिर मैंने सोचा अब मैंने कहा चलो फिर ट्रॉली खोल खोल के फिर मैंने सब सफाई की है। और 15 दिन तो वैसे मैं करती रहती हूँ, 15 दिन मैंने डीपली सफाई करती हूँ। और फिर भी ये देखो अंदर तक धूल कहाँ तक चल जाती है, कितनी भी सफाई कर लो। और अब लग गई है झाड़ू लगाने लगी हूँ मैं, और पूरा सामान उठा उठा के झाड़ू लगा लूँगी। मैं बड़ी अलमारी भी उठाने की कोशिश कर रही थी लेकिन वो उठ नहीं रही थी बिल्कुल भी, खिसक नहीं रही थी। और ये देखिए ये ट्रॉली तो हल्की सी आई तो खिसक जाती है, और इधर से पीछे से, और वो बारीक बारीक से जाले निकलते हैं। चाहे तीसरे चौथे दिन ही हटाओ सामान को फिर भी पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं, बारीक बारीक से जाले निकलते हैं। और मैं सामान हटा हटा के सारी सफाई की थी, बड़ी अलमारी मेरे पे नहीं बिल्कुल भी खिसकी नहीं थी। और बच्चे थे नहीं, लकी बा कार्तिक बाद में आता, ये देखो उठाने की कोशिश करी पर ये हिल नहीं रही थी। मैंने सोचा छोड़ना, फिर मैं पीछे से ना थोड़ा सा स्पेस है इसमें तो मैं झाड़ू को ना लंबी सी करके निकाल लेती हूँ। तो कार्तिक अब आया है, मैंने कहा अलमारी थोड़ी सी खिसका दे, तो फिर कार्तिक ने थोड़ी खिसकाई थी अलमारी। और झाड़ू लगा लेंगे, पोचा लगा लेंगे, ऐसा कुछ वीडियो में नहीं है। और आपने जो नाम दिए दिए हैं अपने बोलने के लिए वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगी, क्योंकि मैंने वो एडिटिंग कर दी है। और अब मैं चादर भी बदलूँगी, अपने दोनों कमरों की चादर बदलूँगी, चादर बिछा दूँगी। नवरात्रे हैं भाई, चादर वादर तो बदलनी पड़ती है, साफ़ सफाई रखनी पड़ती है अच्छा लगता है घर वो करके साफ़ सुथरा सा नवरात्रों में। और तो कुछ नहीं है, बस यही है पूरी वीडियो में अच्छी लगे तो देख लेना, वरना कोई बात नहीं, ज़रूरी नहीं है। मेरी वीडियो ऐसी ही बनती है और बहुत लेट वीडियो जाती है। वीडियो तो बना ली थी, और अब आ गई हूँ मैं दूसरे कमरे में, और दूसरे कमरे की भी मैं साफ़ सफाई कर लूँगी, अलमारी की साफ़ सफाई कर लूँगी। इतना मैंने दिखाया भी नहीं था आपको, लेकिन मैं काफ़ी टाइम लग गया था, मैंने फिर हर चीज़ की सफाई की थी। और ये मैं रोज़ करती रहती हूँ फिर भी धूल बैठती रहती है। ये बुक रखी हुई है कार्तिक की, और यहाँ भी साफ़ कर लूँगी। और अभी ये सामान ना ऐसा ही रखा हुआ है अलमारी, कभी वहाँ कोई वहाँ, तो थोड़ी सी ना सेटिंग करूँगी। और अब लास्ट में मेरा लग रहा है पोचा, तो पोचा लगा लूँगी। पोछा लगाने के बाद नहा धोकर हम आ गए हैं अपने घर के मंदिर में पूजा करने के लिए। तो माता रानी आपको ढेर सारी खुशियाँ दे।
आपकी झोली खुशियों से भर दे, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, मनोकामना पूरी हो आपकी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर, और बने रहिए मेरी वीडियो देखने के लिए। और आपको नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं, माता रानी आपकी झोलियां खुशियों से भर दे। हैप्पी नवरात्रि। तो पूजा कर ली है, सब काम निपटा लिया है, अब देखते हैं क्या करते हैं। तो अब मैं सीधे शाम को मिल रही हूँ, और शाम को मैं बच्चों के लिए भिंडी बनाऊंगी, अपने लिए आलू बनाऊंगी, तो ये सब करूंगी मैं। तो अब तो अलग अलग खाना बनाना पड़ेगा, मुझे अकेली को अपना अलग खाना बनाना पड़ेगा और बच्चों के लिए अलग बनाना पड़ेगा। तो मैं यही आपको बता रही थी कि बच्चों के लिए मैं भिंडी बनाऊंगी और अपने लिए आलू उबालूंगी, तो डबल डबल काम हो जाएगा अब। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यही प्लान, कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। और अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर करने हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।